हम जो है निकल चुके हैं। कहाँ निकल चुके हैं? अरे पता ही नहीं है यार कहाँ जा रहे हैं। किधर जाना है हमको भी पता नहीं है, लेकिन चलते जा रहे हैं। अरे कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे ना यार। मौसम साफ है, ज्यादा गर्मी भी नहीं है, ज्यादा धूप भी नहीं है, एकदम मॉडरेट है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं हो रहा है। हालांकि केरला का जो गर्मी है वो यूनिवर्सिटी वाली गर्मी होती है, बहुत खतरनाक, लेकिन आज जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मौसम है। आप भी देख पा रहे होंगे हमारे वीडियो के माध्यम से कि धूप कम है। तो हम जो है आनंद सिंह वाला अभी चश्मा लगा चुके हैं, करिया चश्मा लगाए हैं ताकि रौदा नहीं लगे आंख में। किसी का फोन आ रहा है लग रहा है, अब पता नहीं केकर फोन है, दिखेगा तब। तो तो देखो भाई यहाँ पे कितनी अच्छी अच्छी मछलियाँ हैं देखो, और मैं गया अचानक से आ गया। असल में मैं कहीं और जा रहा था, ठीक है ना, लेकिन ये जो है ना ये जगह मिल गया तो मैं सोचा आज देख ही लेते हैं यार। और दिखाता हूँ, मेरे चारों बगल जो है मछली मछली है। आज कुछ अच्छा देखने को मिला है, ठीक है, जो हमारे ऊपर है वो भी है। और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। और इस तरीके का कुछ दिखता है, इन्होंने सेटअप बना रखा है। यहाँ पे भी कुछ मछलियां है देखो, तो जो जो भी देखना था हमने देख लिया है, ठीक है। अब चलते हैं वापस, जहां से जाना था वहीं चलते हैं, ठीक है। अच्छा ही जगह था, ठीक ठाक ही जगह था। यहाँ पे ज्यादा खास बात यह है कि मछली देखने को मिला, तरह तरह का जो मछली है वो देखने को मिला, वो सबसे बड़ी बात है।
तो हम जा रहे थे और उस भाई साहब ने बताया कि और भी एक एक्वेरियम है, तो वो भी देख लेते हैं। तो ये रही, और इन्होंने बहुत ही बढ़िया सेटअप लगा के रखा है। ये देखो बहुत बड़ी मछली है, पता नहीं ये कौन सी मछली है, ये मछली है या डमी है। बहुत ही सुंदर है, यहाँ भी कुछ है, शायद फोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं, या फिर ये भूतिया घर है। देखो कितने प्रकार के मछलियां है यहाँ। ये छोटी मछली है, तो आज जो है कुछ अच्छा देखने को मिला है। तो बहुत सारे स्पीशीज के जो है मछली है यहाँ पे, सब जो है एक्वेरियम के अंदर है। देखो कौन कौन सी मछली आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, हमें तो पता नहीं है। और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब। और निकल चुके थे हम, जा रहे थे, लेकिन भाई साहब ने कहा कि इधर भी देख लो, वापस से हम आए देखने के लिए। तो हम जा रहे थे, अचानक से मिल गया, ठीक है, हमको भी पता नहीं था, तो मैं पैसे देकर के टिकट खरीद लिया हमने और हम अंदर चले गए।
वहां पे देखा तो कुछ हिस्सा बच गया था, तो भाई साहब ने कहा कि इधर भी देख लो। तो ये है कि बहुत ईमानदारी से दिखाया उन्होंने, है ना, कि ये केरला है इसलिए यहाँ पे ईमानदारी भी है। और वापस से चल जा रहे हैं हम अपने अर्जुन के पास। तो देखो भाई, अभी हमने अर्जुन को फोन किया था, वो बोला सीधे चलते आओ, चलते जाओ, जब तक रात नहीं होगा तब तक नहीं पहुंचोगे। तो हमारा काम है पैदल चलना, अब पहुंचे कि नहीं पहुंचे वो बाद की बात है। तो चलते जाओ चलते जाओ, कब आएगा कुछ पता नहीं। हम कहां जा रहे हैं ये भी पता नहीं। ऐसे एड्रेस बता दिया है हमको, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन साला बोलते बोलते अगर बहन के चौथ भूको लग गई बा, अब का खाइबे, अब का पी। साला इतना पैदल चलवाया कि साला अभी जा करके उसको जो है उसके माथा में हाथ देंगे हम, खर्चा करवाएंगे। देखो तभी हम जो है कहाँ पे है यार, कहाँ हम पूरा देखे भाई। शरबत दे दो, शरबत शरबत दे दो, और क्या है खाने के लिए, आम खाओगे भैया। पहले ठंडा वाला दियो, पहले ठंडा दियो, गर्मी का दिन है उसका बाद गर्मी वाला देखेगा। और क्या है देखो, क्या खाएगी तो YouTube में, YouTube। बहुत देर जो है पैदल चले यार, बहुत देर पैदल चले, इतना देर पैदल चले कि हालत जो है बहुत खराब हो गया। रूम किधर है देख रहे हो, विनोद कहां से कहां आ गए देखते देखते। नहीं नहीं आया, वहाँ पे तो कई बार आके नहा के गए हैं यार। वीडियो रील तिल बहुत मस्त बनते हैं कि है ना। जूता पे निकालना चाहिए। अच्छा जगह है ये भी जो है ना, बढ़िया जगह है। हमको तो जो कालीकट का जो बीच है ना उससे ज़्यादा बेहतर लगता है। सुविधा है, और दूसरी बात क्या है पता है, यहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं है। हमको भीड़ भाड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और रील बनाने के लिए भी बहुत ज़बरदस्त जगह है। चलो देखते हैं, आ जाओ। और स्विमिंग पूल भी है, स्विमिंग पूल है वो बच्चे लोगों का है, तब तो ठीक है यार। हमारा नहीं उन्ने हम थीन लाई लिए शायद, नहीं नहीं लाई लिए, नहीं यहीं लाई लिए यहीं। अरे याद नहीं रही, नहीं ढेर दिन हो गए। Thank you.
मोबाइल है, पहले भी दिखा चुके हैं यार, पहले भी इस बीच को दिखा चुके। चलो उधर चलो। ये देखो बच्चे लोग मजे ले रहे हैं। Thank you.